होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस। क्या होता है? कॉन्फिडेंस। जिन लोगों के पास कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और जिनका लो होता है, जिनका अच्छा होता है वो बहुत आगे निकल जाते हैं और जिनका लो होता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है ना, उनकी एक्टिविटीज़ भी कुछ अजीब गरीब होती है। अभी 2017 की बात है, जब तक ये फ्री वाला ऑफ़र नहीं आया था, मेरी आंटी ने मुझे कहा कि भाई एयरटेल से जो है पैसे डिडक्ट हो रही है, कंपनी बार बार पैसे काट रही है, ज़रा बात करना ज़रा कंपनी से। अब मैं ओवर कॉन्फिडेंट था बहुत, लाओ मुझे तो मोबाइल, मैं करता हूँ बात। मैं बात करने के लिए बैठा, मैंने कस्टमर केयर को नंबर लगाया कि सर ऐसा ऐसा है, आप जो है कंपनी जो है आपकी जो कंपनी चोर हो रही है और बहुत ज़्यादा पैसे काट रही है। हमारे जो है ख़ानदान में 500 लोग रहते हैं और सबके पास एयरटेल है, हम बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देंगे, आइडिया में चेंज हो जाएंगे। और जैसे जैसे मैं ये बात बोल रहा था तो मेरे हाथ ना ऐसे ऐसे कांप रहे थे, शिवरिंग कर रहे थे, और साथ ही ये पैर जैसे मैं बैठा था ऐसे ऐसे कर रहे थे। मेरा एकदम से ध्यान गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस। फ़ोन रख दिया मैंने, रखने के बाद फिर घर पे आके 5 मिनट सोचता रहा यार ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था, क्या दिक्कत है। फिर पता चला कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। एक ऐसा इंसान जो सपोज दैट के फ़ोन पे बात करते हुए भी शिवरिंग कर रहा है, लेकिन मेहनत करके फिर लर्निंग करके, जो हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी हुई और फ्रेशर पार्टी हुई, वहाँ पब्लिक स्पीकिंग में मेरा नंबर वन आया है, नंबर वन बना हूँ मैं वहाँ पर। और अभी ईद की बात है, 4-5 लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त कपड़े पहन रखे थे, अच्छे शानदार लग रहे थे। मैंने एक को बोला माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रहे हो। तो जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है ना, उनकी एक्टिविटीज़ भी अजीब गरीब होती है। तो जैसे मैंने कहा माशाल्लाह क्या शानदार लग रहे हो, तो एकदम से करने लगा शानदार लग रहा, अच्छा जी सच बता रहा आपको। और फिर अजीब गरीब एक ऐसा करने लगा, हाँ मैंने कहा तू भी अच्छा लग रहा टॉप का, अच्छा जी। ये इस तरह की क्या होता है, मतलब बताता है कि आप जो है ना कहीं नर्वस हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। और कॉन्फिडेंस ही इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये 3-4 बातें अपने माइंड के अंदर फिट कर लेते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, और उसके बाद कोई भी काम करते हैं तो आप वो काम 100% कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत कहाँ पर नहीं होती है, स्कूल में जाएंगे आप प्रिंसिपल से बात करेंगे तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने प्रिंसिपल सर ने पूछा बेटा चलो मतलब बताओ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, सर कम्युनिकेशन सर भूल ही गए सर, मैं तो दिमाग ब्लैंक हो गया, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको नहीं कह रहा हूँ, ये रियलिटी है, कभी आप ये सोचे कि मेरे ऊपर ये कर रहे हैं, ये रियलिटी है, यहाँ की बात नहीं है, कहीं पर भी जाओ आप। और छोटे बच्चे तो बहुत डरते हैं, जैसे मतलब 7th क्लास के 8th क्लास के वो तो ऐसे डरे डरे सहमे से रहते हैं। भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, इंसान से क्या डरना है, डरना है तो सिर्फ ऊपर वाले से डरना है। बस इंसान को हमेशा रिस्पेक्ट करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं, ऑफिस में बोलने वाले हैं, कहीं किसी प्रिंसिपल से बात करने वाले हैं, किसी ऑफिसर से बात करने वाले हैं, कहीं पर भी, या आप अपनी स्पीच को डिलीवर करने वाले हैं फ्रंट ऑफ द पब्लिक, तो सबसे पहले एक बात वो हमेशा अपने पल्ले से गिना बांध लीजिए कि सबसे पहले आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करा दें। कंफर्टेबल फील कैसे करा सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को देखें, जो मैं बोलने वाला हूँ उसमें मेरी लर्निंग कितनी है, वो मेरे दिमाग में स्टोर्ड है नहीं है। अगर आपका फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, तो 4-5 बार 10 बार 1000 बार प्रैक्टिस करें, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा दिमाग इधर उधर भी जा सकता है बोलते हुए, तो भी मैं 100% उस स्पीच को डिलीवर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार चलाते हैं, राइट, बाइक चलाते हैं, और हमारा माइंड इधर उधर भी चला जाता है, तो गियर जो है हम अपना आप लगाना शुरू कर देते हैं, कहीं पर ब्रेकर आया तो अपने आप ही हम ब्रेक लगा देते हैं क्लच दबा करके। वो कैसे होता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ज़बरदस्त होती है। इसी तरीके से जो भी आप यहाँ पर बोलने वाले हैं, आने से पहले उसके ऊपर ज़बरदस्त लर्निंग कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस तो इंसान को महान बनाती है। इसके ऊपर मैंने कई सारे एग्जांपल दिए, एक नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आप स्टेज पर आए, अपनी ड्रेस को देखें, आप शूज़ गड़बड़ है, अगर किसी ने देख लिया ना इंसल्ट हो जाएगी, मेरे सॉक्स गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, कुछ शूज़ में कुछ चुभ रहा है मुझे, मुझे हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो चला जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। सबसे पहले आपने आपको कंफर्टेबल फील कराना है, फिर जैसे ही आप स्टेज पर आते हैं अपनी बात को उस हिसाब से आपको करनी है ताकि सामने वाले को भी आप कंफर्टेबल फील करा सके। आपको ये महसूस करना है कि आप जो बैठे हुए हैं और मैं जो हूँ अजनबी नहीं है, हम सब फ्रेंड हैं या एक फैमिली से हैं,
इस तरह से रिलेट करके अपनी बात को डिलीवर करें। जिस करेंगे सब 101%। फंटास्टिक।